नमस्ते, मेरा नाम सेफ साजन है। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशन फूड। आज हम बनाएंगे पटाटो राइस पैनकेक। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए चाहिए पटाटो और राइस। तो चलिए शुरू करते हैं। राइस से मैं क्या किया हूँ, इसको भिगो के रख दिया हूँ राइस को, और फिर सुबह इसको एक फाइन पेस्ट बनाएंगे। तो चलिए फाइन पेस्ट बनाते हैं। 2 कप लिया हूँ यहाँ पे राइस, इसको फाइन पेस्ट बनाते हैं। ठीक है, और इसका जो वाटर है इसमें दे देते हैं। इसे ग्राइंड कर देते हैं। अभी स्मूथ पेस्ट बन गया है हमारा ये। फिर क्या करेंगे, इसमें बॉयल आलू मैश किया हूँ इसमें ऐड कर देंगे। अभी इसको और एक बार स्मूथ पेस्ट बनाते हैं। हमारा पेस्ट रेडी हो चुका है, अभी बॉल पे डालते हैं इसको। ये गया बॉल पे। अभी इसमें ऐड करेंगे क्यूमिन सीड, सॉल्ट टू टेस्ट और ब्लैक पेपर क्रॉस किया हुआ या पाउडर। अब इसमें डालते हैं बेकिंग पाउडर। आपके पास जो भी वेजिटेबल है आप डालिए, उसके साथ क्या करना है, अदरक भी थोड़ा ग्रेट करके डालना है, करी पत्ता भी डालना है, और क्या करना है, ओनियन डालना है, कैरेट ग्रेट किया हुआ उसको डालना है, और टमाटर डालना है। ठीक है, और इसको मिक्स कर देना है। अभी हमारा ये मिक्स हो गया, और देख लेना इतना ही कंसिस्टेंसी रहना चाहिए, ज़्यादा थिक नहीं और ज़्यादा वाटरी नहीं। ठीक है, तो चलिए अभी तवा बिठाते हैं। तवा भी हमारा गर्म हो चुका है, अभी उसमें ऑयल लेंगे और उसमें हम बैटर ऐड करेंगे। इसे क्या करते हैं, कवर कर देते हैं। अभी देखते हैं, और ये तैयार हो चुका है हमारा पैनकेक। तो इसी तरीके से दूसरे को भी बनाते हैं। अभी ये रेडी हो गया, इसी तरह और भी बना लेते हैं।
ऐसे दूसरे को भी बना देना है और इसको कवर दे देना है। हमारा बन के तैयार है पटाटो और राइस का पैनकेक। ये इजी टू मेक है और ये बहुत सॉफ्ट है। आप इसको लंच में लीजिए, ब्रेकफास्ट में लीजिए और डिनर में लीजिए। करी के साथ लीजिए, चटनी के साथ लीजिए, किसी के साथ भी ले सकते हैं। इस रेसिपी में 50% ग्लूटेन है और 50% ग्लूटेन फ्री है। कैसे? पटाटो में हम ग्लूटेन मिलता है, राइस में ग्लूटेन। तो क्या हो गया, अगर आप इसको खाएंगे तो आलू पराठा को भूल जाएंगे। आज से आपके मेन्यू में इसको ऐड कीजिए, घर पे बनाइए। अगर आपको मेरा रेसिपी अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा और भी दिल होगा और भी अच्छा अच्छा नया रेसिपी बनाने के लिए आपके लिए। धन्यवाद।